आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने यह सुंदर समय हमें दिया। आज दिन भर की हर एक थकान से, मुसीबत से, परेशानी से, हर एक विपत्तियों से, हर एक दुर्घटना से बचा के परमेश्वर ने यह समय हमें दिखाया। जीवितों की पृथ्वी पे परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इस बात के लिए हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। यूहन्ना 16:33 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे कहता है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, ढाढ़स बांधो, मजबूत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, और जितने भी भाई बहन और जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं उन सब के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और जो हमें फोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब में, उन सब के लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यह सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, सच में प्रभु हम आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आदर महिमा और तारीफ के योग्य, स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य आप हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। आप परमेश्वर विजयी परमेश्वर हैं, आप सर्वज्ञानी सर्वदर्शी परमेश्वर हैं। यीशु मसीह, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक जन को मेरे पिता मैं तेरी उपस्थिति में लेकर आती हूँ प्रभु। हर एक जन के लिए पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, छोटे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सबको आपकी मौजूदगी में लेकर आती हूँ परमेश्वर। अपने अनुग्रह भरे हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, और हर एक को आप छू लीजिए प्रभु अपनी उपस्थिति में परमेश्वर। आप उन्हें प्रभु जी ब्लेस करें पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं हर एक जन के लिए तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक जन के जीवन में प्रभु आप अपनी आशीषों को दे प्रभु जी, आप अपनी दया करुणा को दे, अपनी असीम शांति को आप दे परमेश्वर पिता। प्रभु परिवार में हर एक जन के बीच में आप मेल मिलाप दीजिए प्रभु जी। आप अपने वचन के अनुसार प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो, चाहे आपके जीवन में कितनी भी परेशानी है, कितनी भी विपत्ति है, परमेश्वर पिता आपसे वचन के द्वारा वायदा करता है कि तू ढाढ़स बांध क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। वो यदि कोई परेशानी में है, दुख विपत्ति में है परमेश्वर, बीमारियों में है, कलेश में है, नशे में है प्रभु जी, डिप्रेशन में है प्रभु, पारिवारिक समस्याओं में है प्रभु जी, संतान के आशीषों के लिए टेंशन में है प्रभु, अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए टेंशन में, जॉब की टेंशन में है प्रभु, यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु, आपने उनके लिए उनकी परिस्थितियों को बदल दिया है, उनके लिए आपने प्रभु हर इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया है परमेश्वर। हर एक सफलता को आपने उनके जीवन में दे दिया है, हर एक बीमारी से चंगाई आपने उनके जीवन में दे दी है परमेश्वर। इन सारी बातों में परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हर एक जन को आप आशीष दें, और प्रभु हर एक जन को आप उनकी परेशानियों से छुटकारा देकर अपनी असीम शांति से भरें प्रभु। हर एक के मन में आप अपनी शांति को दें प्रभु। जिसके अंदर बोझ है प्रभु, जिन किसी के अंदर बोझ है प्रभु जी, उस बोझ को आप प्रभु हटाकर प्रभु उन्हें फिर से प्रभु नया करें, और प्रभु अपनी शांति से भरें प्रभु। आज रात के लिए भी प्रभु, हर एक के लिए प्रभु आप की मीठी और अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु। हर एक को आप प्रभु टेंशन फ्री करके प्रभु उन्हें अच्छी और मीठी नींद प्रदान करें प्रभु जी। हर एक चिंताओं को पिता, मैं सबकी चिंताओं को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ कि सबकी चिंताओं को आप उठाइए, और आपका वचन कहता है कि ढाढ़स बांधो। सच में प्रभु, आप हर एक को प्रभु जी प्रभु मजबूत करें प्रभु, परिस्थितियों से लड़ने के लिए मजबूत करें परमेश्वर पिता। आप उनके सहायक हो जाइए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।